धनबाद में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आया है, जहां आज धनबाद के जयप्रकाश नगर गली नंबर 6 में एक नवजात अर्ध निर्मित शिशु का शव गली में फेंका हुआ बरामद हुआ। वहीं नवजात के शव को कुत्ते नोचते हुए एक घर के अंदर लेकर भागे। वहीं नवजात के शव को घर के आंगन में छोड़कर कुत्ते लोग भाग गए, के बाद आसपास के लोगों को सूचना मिली। नवजात को देखने की भीड़ जुटने लगी। वहीं स्थानीय लोगों ने धनबाद थाना और नगर निगम को इसकी सूचना दी, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है, घर से निकलते समय सड़क के किनारे कुत्ते को शव को नोचते दिखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। ये हमको तो बुलाया, ये अजय बाबू रिपोर्ट किया है पुलिस को, और हमको बुलाया अजय बाबू कि देखिए कि ये ह्यूमन बच्चा है या दूसरा। हम देख के बोला नहीं, ये मनुष्य का ही बच्चा है। तो मान ली, अभी आँख बन ही रहा था, कान आँख थोड़ा थोड़ा बन ही रहा था, तो पड़ा हुआ था उस जो बांस टंगा है वहाँ पे एक कुत्ता मुँह करके वहाँ पे लाया। फिर अजय बाबू बुलाया तो हम देखने गया। फिर हम लोग बोले कि हम लोग कितना देर तक खड़ा रहेंगे। पुलिस को फ़ोन किया, म्यूनसिपलिटी को फ़ोन किया, तो लोग कुछ बोला नहीं अभी तक। तो आना चाहिए जल्दी जल्दी, हम लोग कितना देर तक खड़े रहेंगे। तो फिर हम लोग जैसे घर चले गए, दूसरा एगो लाल वाला कुत्ता आकर के मुंह करके यहाँ से घुसा और इधर चला है। ये तो पूरा ही गलत है, बिल्कुल गलत है। एक सोसाइटी का जो अब तो रेजिडेंशियल सोसाइटी है, इसमें आकर के वो फेंक के जाएगा, ये खराब चीज़, ये तो डेफिनेटली सराज मतलब ठीक नहीं है। ये आदमी को बच्चा पैदा नहीं होता है और ये प्रीमैच्योर डेथ करके रोड में फेंक के जाएगा, इससे दुख।